नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत करता हूं आप सभी कार्य जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। दिनांक 21 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं और रात के 12 बज रहे हैं और मैं ये करंट अफेयर्स आपके लिए बना रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो आरएस 2021 है, जिसकी वैकेंसी निकल चुकी है 20 तारीख को, उसमें कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो मान के चलिए, क्योंकि इस बार नियमों में थोड़ा बदलाव हुआ है और जनरल कैटेगरी में ही 15 गुना जो है सीटों पर बच्चों को पास किया जाएगा और उसके बाद जिस कैटेगरी में 15 गुना अभ्यर्थी नहीं होंगे उसके लिए केवल जो है एक्सटेंडेड लिस्ट दी जाएगी। तो मान के चलिए पिछली बार जो जनरल की कट ऑफ 75 तक रही है, वो इस बार 90 से 100 के बीच में जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत आप सभी को करनी होगी। तो इधर उधर की बातों में लगने की बजाय अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, अन्यथा आपको फिर से 2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा अगली वैकेंसी के लिए। तो ये बिल्कुल क्लियरली मैं समझा देना चाहता हूँ कि तैयारी को शुरू कर दीजिए। 4 महीने आपके पास हैं, जिनके बाद आपको प्रीलिम्स में अपियर होना पड़ेगा, यदि सब कुछ सही सही रहता है। तो इन 4 महीनों में आप जितना प्रिपेयर कर लेंगे वही निर्धारित करेगा कि आपका आगे का करियर कैसे जो है तय होगा। तो 21 जुलाई के करंट अफेयर्स में लेकर आया हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट्स इनका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मैं बाईलिंगुअल इनको रख रहा हूँ, ताकि जो डिमांड थी कि सर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए कुछ भी नहीं है, वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। मैंने गुलदस्ता करंट अफेयर्स का जो अंक है वो भी अभी तक के अवेलेबल करवा दिए हैं। तो एटलीस्ट आपको नवंबर से करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो नवंबर से आप देख लीजिए, सारे के सारे करंट मैंने एक ही जगह पर ईयरली पैकेज में अवेलेबल करा दिया है। तो दिसंबर तक के करंट में आपको इसमें दूंगा। 250 रुपये का ये कोर्स है जो केवल इस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए है, तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। जितना सस्ता हो सकता है उतना मैं रखने की कोशिश आपके लिए कर रहा हूँ। इसके अलावा इकोनॉमिक रिव्यू मस्ट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्लासेस में यूट्यूब पर दे रहा हूँ, और टेस्ट सीरीज जो है आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पर, आर एस जंक्शन पर। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से नोटिफिकेशन आपको जो है सारे मिलते रहेंगे। तो आज से ही तैयारी शुरू कर दो। सारी जो पेपर 1, 2, 3 और 4 जो मेंस के हैं उनके बहुत से वीडियोस मैंने प्लेटफॉर्म पर दे रखे हैं, कहीं भी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे वीडियो जो है पूरा सिलेबस के हिसाब से बने हुए हैं और बिल्कुल भी समय आपका इनमें वेस्ट नहीं होगा। पूरा का पूरा मैटर आपकी परीक्षा में सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन देने वाला है। तो एक बार कम से कम अपने कोर्स को कवर अप करने पर आप फोकस करें, ताकि आप जो है बेहतर नंबर अपने परीक्षा में ले सकें। चलिए तो मैं शुरुआत करता हूँ आज की कक्षा की। पहला प्रश्न राजस्थान का है और खेलों से जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान में जो है हाल ही में खेल अधिकारी की नियुक्ति यहाँ पर की गई है, और इस पद पर जो है नियुक्त किया गया है वो है वीरेंद्र पूनिया। तो वीरेंद्र पूनिया कौन है ये आपको पता होना चाहिए। चूरू जिले की सादुलपुर सीट से जो कांग्रेस विधायक हैं और पूर्व एथलीट रही हैं कृष्णा पूनिया, उनके पति हैं वीरेंद्र पूनिया, और उनको जो है अब राज्य के मुख्य खेल अधिकारी के पद पर नियुक्ति दे दी गई है। दोस्तों अगर बात करें वीरेंद्र पूनिया जी की, तो वो खुद हैमर थ्रो के एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं और कई स्वर्ण पदक भी उन्होंने हासिल किए हैं। यहाँ तक कि हैमर थ्रो का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी उनका रहा है, लगभग 77 मीटर के करीब ये रिकॉर्ड था, ठीक है, तो वो भी इनका रहा है। पूनिया को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा चुका है और महाराणा प्रताप अवार्ड जो राजस्थान का है वो भी इनको मिल गया है। इसके अलावा राजस्थान का ही प्रतिष्ठित जो कोचिंग में दिया जाने वाला अवार्ड है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, वो भी इन्हें दिया जा चुका है। मुख्य खेल अधिकारी के पद पर बजरंग लाल ताकर, वीरेंद्र पूनिया, दयाल राम जाट, रमेश सिंह, मीनू सोलंकी, आर्यवीर सिंह टॉक, राजेंद्र विश्नोई और जितेंद्र राका ने इंटरव्यू दिया था, जिनमें से अब जो है चुनाव किया गया है किनका, वीरेंद्र पूनिया का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाने लायक भी है, राजस्थान का भी है और खेलों से जुड़ा हुआ भी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों हाल ही में ब्रिटेन के रॉयल नेवी के एक रॉयल नेवी जो है, ब्रिटेन की जो नौसेना है उसका एयरक्राफ्ट करियर है HMS क्वीन एलिजाबेथ, उसकी तैनाती पहली बार हिंद महासागर क्षेत्र में की गई है। तो पहली बार ऐसा हुआ है जब ब्रिटेन का कोई एक कैरियर जो है उसको हिंद महासागर में तैनात किया है। दरअसल चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए ये एक अहम तैनाती मानी जा रही है। ब्रिटिश एयरक्राफ्ट करियर के साथ डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, पनडुब्बी और माइन स्वीपर जहाज़ों का एक पूरा बेड़ा जो है
वो यहाँ पर मौजूद रहेगा। और ये एयरक्राफ्ट करियर भारतीय नौसेना के साथ इस इलाके में युद्धाभ्यास भी करेगा, जिसमें अन्य देशों के शामिल होने की भी संभावना है। इसके बाद ये दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और जापान की नौसेना के साथ भी युद्धाभ्यास करने वाला है। एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट करियर एक बार में 65 से ज़्यादा विमानों को लेकर सफ़र करने में सक्षम है। इसमें हेवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर चिनुक, अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे भी सम्मिलित है। तो नाम याद कर लीजिए साथ का साथ, क्वीन एलिजाबेथ चीन जो है, चीन से जो तनातनी है उसको लेकर के ब्रिटेन ने हिंद महासागर में इसे तैनात किया है। आगे बढ़ते हैं और रक्षा क्षेत्र के अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक देश ने हाल ही में एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का परीक्षण किया है? तो जिरकॉन एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसको रूस ने परीक्षण किया और पहली बार किसी हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का यह परीक्षण हुआ है। तो बेरिंग सागर में एक लक्ष्य को इसने निशाना साधा। यह मिसाइल ध्वनि की 7 गुना रफ्तार या Mach 7 की गति से दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है। हालांकि मिसाइल ने 8600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की, जो 9 Mach के आसपास जाती है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक मानी जा रही है और रूस का ये प्रयास है कि सेना में हाइपरसोनिक मिसाइलें काफ़ी मात्रा में लाई जाएं ताकि वे किसी भी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने लक्ष्य को तबाह कर सकें। अमेरिका के पास वर्तमान में ऐसी कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल अवेलेबल नहीं है। तो इस बार रूस ने कहा है कि वो 200 से भी ज़्यादा ऐसे मिसाइलों का परीक्षण करने वाला है और अमेरिका ने इस चीज़ की निंदा करते हुए कहा है कि यह क्षेत्र में जो है हथियारों के होड़ को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसार भारती, जो कि प्रसारण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है, उसने जो है हाल ही में IIT कानपुर से एक समझौता किया है और अब IIT कानपुर में मीडिया और प्रसारण प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र अर्थात एक्सीलेंस सेंटर जो है इन मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी, ये स्थापित किया जाएगा। तो मीडिया और प्रसारण तकनीक में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और बेहतर जो है टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए ये दोनों काम करेंगे। ये समझौते के तहत जो उत्कृष्टता केंद्र है या एक्सीलेंस सेंटर है, वो 3 एरियाज हैं जिनमें काम करेगा। पहला है डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग एंड कन्वर्जेंस विद 5G स्टैंडर्ड्स। तो आने वाले टाइम में जो 5G स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए ब्रॉडकास्टिंग को बेहतर बनाना और एडवांस एल्गोरिथम फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया, इन 3 फील्ड पर इसका काम होगा और ये तकनीकों का विकास करेगा। आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने MLX नामक एक उपकरण विकसित किया है? तो दोस्तों IIT रोपड़ जो है उसके द्वारा ये MLX नामक उपकरण विकसित किया है। दरअसल कोरोना के दौरान जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज देखी गई थी उसी को लेकर के ये बनाया गया है। कोरोना की तीसरी लहर के आने की संभावनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है और इस क्रम में इस तरह के उपकरण जो है काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो चिकित्सा ऑक्सीजन सिलेंडर की उपयोग क्षमता को 3 गुना तक बढ़ाने का ये काम करता है। दरअसल MLX क्या करता है, ये एक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण है और यह उपकरण रोगी को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। दरअसल MLX को ऑक्सीजन सप्लाई लाइन और रोगी द्वारा पहने जाने वाले मास्क के बीच में कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें एक सेंसर लगा हुआ है जो किसी भी पर्यावरणगत स्थिति में उपयोगकर्ता द्वारा सांस लेने और छोड़ने को महसूस करता है और सफलतापूर्वक उसका पता लगाने के बाद उसी मात्रा में उसी अनुपात में ऑक्सीजन की सप्लाई भी यहाँ पर करता है। तो यह है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का MLX उपकरण। 9 मिनट में मैंने ये सारे करंट अफेयर्स कवर अप कर दिए हैं, इतना ही पढ़ना है। RS के लिए आप अगर महीने के इस तरह से 5 करंट भी पढ़ेंगे तो पूरे महीने में 150 करंट अफेयर्स होते हैं और पिछले पूरे साल भर के जो है आपको लगभग 1800 करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे। इसको छोड़ करके यदि आप रोज के 25 से 30 करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपके काम के नहीं है या जहां से आपको कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो ये आपके समय की बर्बादी है। इस दौरान आप ये करें कि इससे बढ़िया अपने मेंस के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश करें। तो कोचिंगों के पीछे ना भागें, फालतू के वीडियो ना देखिए इधर उधर, और जो टॉपिक टू टॉपिक आपको मैटर मिला हुआ है, मेरे प्लेटफॉर्म पे 2000 से ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाए हैं जो कि मेरा पूरा सफ़र है 2017 से लेकर अब तक का। तो वो मैंने इसीलिए तय किया, ना ही मैंने कोई और टीचर्स इस प्लेटफॉर्म पे रखे, क्योंकि मेरा यही मानना था कि जो मैटर मैं यहाँ दे रहा हूँ वो पूरी मेहनत के साथ तैयार किया जा रहा है। तो YouTube पर एक एक प्ले जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें बहुत ही बेहतर वीडियो दिए हुए हैं,
आप बस उन पर फोकस कीजिए और इनके नोट्स भी मैं धीरे धीरे आपको हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल कराता रहूँगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी पर मैंने क्लासेस शुरू कर दी है, पॉलिटी पर हमारा कोर्स एप्लीकेशन पर चल रहा है। पॉलिटी 25 क्वेश्चंस कवर करता है और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हिंदी पर हमारा कोर्स चल रहा है तो हिंदी को भी आप देख रहे होंगे, 100 से ज़्यादा नंबर आए हैं, 140 तक नंबर स्टूडेंट्स ने लिए हैं इस बार के पेपर में। तो बस अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, रेगुलर हो जाइए और अपनी नींद को थोड़े दिनों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि सफलता ऐसे ही नहीं मिलेगी। कई छात्र हैं जिन्होंने दो दो तीन तीन बार सिलेक्शन लिए और इस बार वे और बेहतर रैंकिंग की तलाश में हैं, तो वो आपका हक छीन करके ना ले जाएं। उस चीज़ को देख करके अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।